अरे मेरी जान क्या बात है, थोड़ी सी गंदी भी हो रही है क्योंकि काफी दिन से ऐसी खड़ी हुई है। अरे कैसे चला रहा भाई मेरे, अभी लगती टक्कर की गाड़ी का बम्पर टूटता या क्या होता है, ये क्या है, चलाने वाले भी तो ऐसे हैं ये देखो, मतलब क्या जबरदस्त कट मारते हुए जाते हैं, कोई डर नहीं लगता ना कोई वाली एम्बेसडर जो कि अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश व्लॉग में। सो गाइज, आज अपनी आर एस को निकाल रहे हैं और थोड़ा सा चलते हैं, इसको राइड पे ले चलते हैं थोड़ी सी। पहले करते हैं इसको थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट, और थोड़ी सी गंदी भी हो रही है क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसी खड़ी हुई है। तो भैया करते हैं अपनी आर एस के बारे में बातें और मिलते हैं फिर सीधे रोड पे और चलते हैं फिर सीधे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक और न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ आपका स्वागत है गाइस, और आज चलते हैं अपनी आरएस की राइड के लिए। थोड़ा सा इसको चला के आते हैं क्योंकि काफ़ी दिन से खड़ी हुई है, तो कोई भी इस पर राइड वगैरह नहीं होती क्योंकि कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो तो क्या होता है, अपनी एवेंजर को ही निकालते हैं। तो कुछ सामान वगैरह भी लेना है तो वो लेके फिर सीधा अपने घर की तरफ निकलेंगे और करते हैं बातें अपनी आरएस 200 के लिए। अरे भैया कहाँ साथ चला रहे हो यार, मतलब रॉन्ग साइड में बिल्कुल बंदा ऐसे भगा रहा है कि बस पूछो मत। तो ये तो अपने साथ रोज़ का ही हो गया ये वाली चीज़। तो थोड़ा सा कुछ काम वगैरह भी करवाएंगे इसमें, पिछले टाइम तो इसमें हो नहीं पाया था। एक तो पता नहीं क्यों इसमें चेक इंजन वार्निंग लाइट आ रही है, क्यों आ रही है ये तो कुछ पता नहीं है, लेकिन खैर दिखवाते हैं इसको भी। और मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है इस टाइम, बिल्कुल एकदम ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, एकदम बेहतरीन वाला मौसम हो रहा है। आराम से निकलना हो जाता है, तो थोड़ा सा लेट व्लॉग शूट हो रहा है अपना क्योंकि भैया देखो जॉब्स वगैरह भी है तो पूरा टाइम वहाँ पर भी देना पड़ता है, उसके बाद फिर जब टाइम मिलता है तो अपनी एक छोटी सी। अरे है कैसे चला रहा भाई मेरे, अभी लगती टक्कर इसकी गाड़ी का बम्पर टूटता या क्या होता भैया कुछ नहीं पता, और पीछे देख रहा है उसमें मिरर में क्या यार, मतलब कुछ नहीं पता कैसे किसका कौन कैसे चला रहा है भैया, अब कुछ नहीं कह सकते हम लोग। कहना क्या है, चलाने वाले भी तो ऐसे हैं ये देखो, मतलब क्या ज़बरदस्त कट मारते हुए ले जाते हैं, कोई डर नहीं लगता ना कुछ लगता। तो खैर मामला कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह दिख रही है आज, और ये पुरानी वाली एम्बेसडर जो कि अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। तो एक टाइम में क्या ज़बरदस्त गाड़ी थी ये वाली एम्बेसडर होती है, एम्बेसडर होती है, दोनों में से एक है, मेरे को पूरी तरीके से नाम तो पता नहीं है, लेकिन एम्बेसडर या फिर एम्बेसडर अपने टाइम की लोहा लाड गाड़ी है भाई साहब ये वाली, मतलब कमाल की ये वाली गाड़ी। अब मोस्टली अब जैसे बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह होते हैं अब भी उनके लिए यूज़ होती है ये वाली गाड़ी, मतलब कमाल है यार ये गाड़ी। जो अपने टाइम की जो लेजेंडरी गाड़ी है ना उसमें से एक ये वाली गाड़ी जानी जाती है। अभी एक मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था तो उसमें एक बंदे ने क्या ज़बरदस्त गाड़ी बना रखी थी ये वाली, मतलब कमाल थी वो, कहना चाहिए ना एक अलग तरीके का थीम उसमें दे रखा था, ब्लू टाइप की थी शायद मेरे ख्याल से, अगर आपने शायद देखी होगी क्योंकि इंस्टा पे काफ़ी फेमस हुई थी वाली रील एम्बेसडर की, तो ब्लू कलर की उसमें थीम दे रखी थी और अंदर से इंटीरियर मतलब कमाल का यार ज़बरदस्त, मतलब ऐसी गाड़ियों को देख के दिल खुश हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लेजेंडरी गाड़ी होती है ना तो देख के बहुत ही बढ़िया लगा। तो ऐसी गाड़ियाँ कभी अपने पास भी अगर इतना बजट हुआ कभी तो ज़रूर कलेक्शन बनाएंगे इन चीज़ों का भी। तो ऐसी पुरानी जो बिल्कुल बहुत अपने टाइम की लेजेंडरी गाड़ी जो होती हैं उनका एक कलेक्शन भी बनाएंगे थोड़ा सा। तो जी बस
अपनी आरएस में बस देखो जी, जब कभी अभी मौका लगेगा तो इसमें थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ को थोड़ा सा फेस करते करते, इसके जो ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम है। क्योंकि भैया देखो, जब तक गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट ना होना तो मज़ा नहीं आता। वो दिल से जो एक फीलिंग आती है ना चलाने की, कि हाँ भाई गाड़ी में एक सिंगल परसेंट भी कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वाली चीज़ थोड़ा। अरे मेरी जान, क्या बात है भाई, क्या है यार, कमाल है यार लोगों का भी। अभी उड़ जाता बंदा ये, मतलब क्या कहने ऐसे बंदों को, तो ऐसे बंदों को कुछ बोल भी नहीं सकते अपन। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, व्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जो साइड में बेल आइकन आ रहा है उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जितनी लेटेस्ट वीडियो, जितनी भी लेटेस्ट वीडियो और व्लॉग्स वगैरह आते हैं, तो सबसे पहले वो आप तक आने पाए और आप इन्जॉय करने पाए इन चीज़ों को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरे यूट्यूब फैमिली। तो मिलते हैं फिर, ओके बाय बाय।